सिर्फ दो चीज़ों से 10 मिनट में आज हम बनाएंगे मोदक। तो इसके लिए यहाँ पे एक नारियल को मैं अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर ली हूँ। तो आप इसे चाहे तो इसके पीछे के स्किन को निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप इसे मिक्सी में डाल के हल्का दरदरा पीस लेंगे बिना पानी के ही। आप इसे चाहे तो बारीक वाले जो कद्दूकस आते हैं उससे भी कर सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं मिक्सी में ही डाल के इस तरह पीस ली हूँ। साथ में ली हूँ 80 ग्राम जितना गुड़ और 1 चम्मच ली हूँ घी। घी टोटली यहाँ पे ऑप्शनल है, पर इसे डालने से टेस्ट जो है थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम घी को डाल देंगे। साथ में जो हमने नारियल को पीसा था उसे भी इसमें डाल देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पे नारियल को रोस्ट करना है। अगर नारियल को थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर देंगे तो वो जो है थोड़ी सी टाइट हो जाती है, इसीलिए सिर्फ 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। बहुत सारी मोदक की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें और ट्राई करें। इस गणेश चतुर्थी पर उसे ज़रूर बनाएं। यहाँ पर अब हम डाल देंगे गुड़ को और इसे हम इसी तरह मिक्स करेंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि गुड़ के यहाँ पे पीसेस जो है बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये देख सकते हैं मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। ये मोदक जितनी जल्दी बनती है उतनी टेस्टी भी लगती है, साथ में ही काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर इस तरह कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाए तो। इसके बाद गैस को यहाँ बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है, हल्का सा गुनगुना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, जस्ट हल्का सा गुनगुना है। तो इस तरह मोदक का मोल्ड लेंगे और इसमें हम डाल देंगे। आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं मोदक के मोल्ड पे, या फिर बिना घी के भी बहुत आसानी से निकल जाता है, इसीलिए मैं बिना घी लगाए इसका यूज कर रही हूँ। तो इस तरह अच्छे से भर लेना है और इसके बाद में हम इसको खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोदक बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह बाकी मोदक को भी बना के तैयार करेंगे। इस गणेश चतुर्थी पे आपने कौन सी मोदक बनाई ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये रेसिपी जो है आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मोदक भी बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरह सारे मोदक बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे मोदक बन के तैयार हो चुके हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।